सशकाल अपना पंजाब एनआरआई टीवी चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं परनीत कौर लेके खबर हाजिर हाँ, जिथे पंजाब च अज श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल वालों अज अमृतसर विखे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस दौरान उत्थे उन्होंने बिजली के मुद्दे से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तिखे निशाने साधे ने। उत्थे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लंबे हाथी लिया, जिथे बीते दिन चंडीगढ़ विखे केजरीवाल वालों पंजाब के लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान किए गए हैं, जिथे सुखबीर बादल ने कहा है कि केजरीवाल कौन होंदा पंजाब के लोगों वाल वादे करने वाला, जिथे उन्होंने वड्डा सवाल यह भी किया कि दिल्ली में तो केजरीवाल 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रहे हैं पर पंजाब 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का झूठा वादा कर रहे हैं। जिथे सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि बीते दिन जो मीडिया ने केजरीवाल को सवाल पूछा तो कि जेकर 300 तो 1 यूनिट भी वध हो जाए तो फिर केजरीवाल ने कहा कि सारे 300 यूनिट से ही बिल लगेगा। सुखबीर बादल ने कहा कि दिल्ली में भी तो यही कुछ हो रहा, उन्होंने कहा कि केजरीवाल का केड़ा सीएम फेस है जो यो अजिहा बयान दे सकता, जिथे उन्होंने होर निशाना साधते कहा है कि जिथों का केजरीवाल मुख्यमंत्री है फिर उत्थे क्यों 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जिहा ऐलान करके लोगों को गुमराह किया जा रहा, जिथे कैप्टन से भी निशाना साधते हैं। अज किसानों 8 घंटे बिजली देने की बजाय 4 घंटे बिजली दी जा रही है, उत्थे बिजली पूरी करना सरकार लिए 5 मिनट का काम है पर कैप्टन की नीयत साफ ही नहीं है। उत्थे ही कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर भी बोलते सुखबीर बादल ने कहा है कि वैक्सीन को लैके पंजाब सरकार की कोई प्लैनिंग ही नहीं थी, जिथे कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं तां जेकर यह पूछ लिया जाए कि हुण तक किन्नी वैक्सीन लगी है तो वह उसनों पता ही नहीं होना। सब तो घट वैक्सीन के सूबों विच पंजाब का नाम आ रहा, इसका कारण यही है कि पंजाब की सरकार ही नालायक है। उधर दूजे पास हरियाणा दियां खाप पंचायतां ने किसान अंदोलन नूं होर तिखा करन दा वड्डा ऐलान किया, इस नाल हरियाणा सरकार दियां मुश्किलां होर वध गईआं ने। जिथे मंगलवार नूं चरखी दादरी स्थित कितलाणा टोल प्लाजा ते सर्ब जाति खाप पंचायतां दे इकट्ठ विच 10 मते पास किए गए ने। खाप पंचायतां दे फैसलिआं नाल जिथे किसान अंदोलन नूं होर बल मिलेगा, उत्थे ही सत्ताधारी बीजेपी ते जेजेपी लई वड्डी मुश्किल भी खड़ी हो जाएगी। दरअसल केंद्री खेती कानून खिलाफ दिल्ली दियां ब्रूहां ते चल रहे अंदोलन नूं होर मजबूत करन लई हरियाणा दियां सर्व जाति खाप पंचायतां ने केंद्र सरकार दियां नीतियां विरुद्ध 10 मते पास कीते ते जुलाई महीने विच खाप पंचायतां ने दिल्ली कूच करन दा सद्दा दित्ता। उत्थे इस मौके योगेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार किसानां दी गल सुनण दी थां अंदोलन नूं कमजोर करन ते जात पात ते धर्मां दे आधार ते वंडण दियां कोशिशां कर रही है। उत्थे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तीनों खेती कानून रद्द करन दी थां हर तरह के सोध लई तैयार है पर किसान तीनों खेती कानून रद्द करवाए बिना घर वापसी नहीं करनगे। जिथे विधानसभा हलका चरखी दादरी तो आजाद विधायक ते सागवान खाप प्रधान सोमवीर सागवान ने कहा कि हरियाणा दियां खाप पंचायतां एक हो के अंदोलन नूं मजबूत करन लई लग गईआं ने। इह अंदोलन दी मजबूती दे नाल नाल शरारती अंसरां ते वी नजर रखणगीआं, जिथे उन्हां दस्सिआ केंद्र सरकार ने पहला 3 खेती कानून लियांदे हुण तेल दियां कीमतां आसमान ते पहुंच गईआं ने, जिथे केंद्र सरकार तेल दियां कीमतां ते काबू पाउण विच फेल साबित हो रही है। उधर खबर अमरीका तो आ रही है, जिथे चीन नाल मुकाबला करन लई अमरीका वड्डे पद्धर ते खर्च करन दी योजना बना रहा अते सेनेट दे मुताबिक चीन अमरीका लई सब तो वड्डी भू राजनीतिक अते भू आर्थिक चुनौती है। इस कारण अमरीका ने दी यूनाइटेड स्टेट्स इनवेशन अते एंड कंपटीशन एक्ट 2021 बिल पास किया जो करीब 250 बिलियन डॉलर नाल ज़्यादा खर्च करके अमरीका नूं तकनीक सोध अते उत्पादन च सिखर ते रख्या जा सकता है। जिथे दसन योग है कि यह बिल रिपब्लिकन अते डेमोक्रेटिक पार्टियां दोहां च आम सहमति नाल तैयार किया गया, जबकि अजिहा बेहद घट हुंदा है कि दोहां पार्टियां च सहमति बनदी होवे। जिथे 100 मैंबरी सीनेट च 68 वोटां इसके पक्ष च पाईआं गईआं ने ते जबकि 32 वोटां इसके खिलाफ। माहिरां दा कहना है कि अमरीका दे इतिहास च इह सब तो वड्डे उद्योगिक पैकेज चों इक है अते पिछले कई दहाकियां च विज्ञानिक सोच च इह देश च सब तो वड्डा निवेश है। जिथे बिल का मकसद कोई इस तरह का होंदा है कि उपवां नाल चीन नाल मुकाबले च मजबूत करना होवे। इस कानून तहत चीनी कंपनियां राही ड्रोन दी खरीद जां उसनूं वेचण ते पाबंदी रहेगी। अज दी साडी खास खबर च इन्ना ही, नवीं ते ताज़ी खबर लैके जल्द हुन्ने हाज़र, तद तक लई मैनूं दिओ इजाज़त, धन्नवाद।
देश दुनिया दी हर खबर ते नजर रखन दे लई हुन साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।